फिलहाल सोमवार मंगलवार तक नहीं लगेगा कर्फ्यू। मंगलवार तक यदि केस बढ़ते हैं तो फिर से होगी जिला आपदा प्रबंधन की बैठक, जिसमें भेजा जा सकता है लंबे लॉकडाउन का प्रस्ताव। पंचायत मंत्री ने की सीएम से बात। 19 अप्रैल तक लॉकडाउन की खबरों के बाद लगातार आम जन जता रहे थे विरोध, जिसके बाद मंत्री श्री सिसोदिया ने सीएम से चर्चा कर फिलहाल 2 दिन तक कर्फ्यू बढ़ाने की बात कही। अभी नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन, शासन ने कलेक्टर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। वरिष्ठ नेता योगेंद्र लुम्बा ने बताया कि पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की सीएम से बात हुई। सीएम ने 2 दिन और विचार करने को कहा। मंत्री श्री सिसोदिया ने बताया कि 2 दिन बाद फिर आपदा प्रबंधन की बैठक की जाएगी। 2 दिन में जो हालात बनते हैं उनके आधार पर आगे विचार किया जाएगा। आज सुबह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मैंने मीटिंग ली थी और माननीय कलेक्टर साहब भी इसमें उपस्थित थे और सभी हमारे विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और तमाम व्यवसायी लोग सभी उपस्थित थे। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए 19 तारीख तक। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को देखते हुए उनका कहना था छोटे व्यापारी और फुटकर और जो हमारे ठेले लगाने वाले हैं इन लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए इस लॉकडाउन को आज ही समाप्त किया जाए। कल सुबह 6 बजे तक का जो लॉकडाउन है वही रखा जाए और 2 दिन तक इसकी पुनः समीक्षा की जाए और समीक्षा करने के बाद फिर आगे की जो कार्रवाई होगी वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में बैठकर फाइनल कर लेंगे। तो सभी गुनावासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन की समस्या से फिलहाल आपको मुक्ति मिली है, किंतु ये ज़रूर आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे लंबा तो आपको अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। विशेष रूप से मेरा निवेदन है कि जो हमारे युवा वर्ग हैं और जो हमारी बच्चियाँ हैं ये विशेष रूप से इस बात का संज्ञान लें कि बिना मास्क पहने ये बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया जाए, तभी हम इस कोरोना से लड़ने में सफल हो पाएंगे।